नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नेहा। इसी के साथ बुलेटिन का करते हैं आगाज और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 2 करोड़ तक टर्नओवर वाले व्यवसायियों को वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से मिली छूट। बिहार राजभवन का सख्त आदेश, अब सीनियर प्रोफेसर ही बनेंगे कॉलेजों के प्राचार्य। ई श्रम पोर्टल रिपोर्ट के अनुसार भोजन बनाने में बिहार के लोग तीसरे स्थान पर। डीएम के निर्देश के बाद पटना के 500 से अधिक कोचिंग संस्थानों को मिला नोटिस। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान दौरे पर असमंजस। अब खबरें विस्तार से। गणेश चतुर्थी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी शुभकामनाएं। देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। सीएम ने एक्स पर लिखा कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं। इस अवसर पर राज्यवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना है। आपको बता दें कि हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया के जरिए देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ई श्रम पोर्टल रिपोर्ट के अनुसार भोजन बनाने में बिहार के लोग तीसरे स्थान पर। ई श्रम पोर्टल रिपोर्ट के अनुसार भोजन बनाने में बिहार के लोग तीसरे स्थान पर हैं। बता दें कि पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, वहीं दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल के लोग शामिल हैं। वहीं रिपोर्ट के अनुसार उत्तर बिहार के लोग सबसे अधिक भोजन के कारोबार में हैं। मुजफ्फरपुर के लोग बिहार में पहले स्थान पर हैं, दूसरे पायदान पर पटना के लोग हैं, तीसरे स्थान पर दरभंगा, चौथे स्थान पर मधुबनी, पांचवें स्थान पर समस्तीपुर और छठे स्थान पर भागलपुर है। केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल के अनुसार 10 लाख के करीब पूरे देश में बिहार के लोग खाना बना रहे हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में बड़ी संख्या में भोजन बनाने वाले कारीगर ई श्रम पोर्टल पर अपना निबंधन नहीं करवा पाते हैं, इसलिए सरकार की ओर से बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहा है। बिहार में डेंगू के 1006 केस, 6 लोगों की मौत। बिहार में डेंगू के मामलों में निरंतर वृद्धि चिंता का विषय बन चुकी है। 6 सितंबर को एक दिन में 80 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें सबसे ज़्यादा पटना में 38 लोग डेंगू से संक्रमित पाए गए हैं। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के सिर्फ 7 दिन के भीतर ही डेंगू मरीजों की हालत बेहद गंभीर हो जा रही है और इस कारण मौतें भी हो रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में अब तक डेंगू के 1006 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सीनियर फिजिशियन डॉक्टर राणा एसपी सिंह ने बताया कि इस बार संक्रमण की दर बहुत तेज है और कई मौतें इंटरनल ब्लीडिंग के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि लोग बुखार को साधारण वायरल फीवर मानकर इलाज में देरी करा देते हैं, जिसकी वजह से स्थिति जो है गंभीर हो जाती है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे बुखार के लक्षणों को नजरअंदाज ना करें। 2 करोड़ तक टर्नओवर वाले व्यवसायियों को वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से मिली छूट। अब उन व्यवसायियों को जिनका सालाना कारोबार 2 करोड़ रुपए तक है, उन्हें जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में बड़ी छूट मिल गई है। नई अधिसूचना के अनुसार इन व्यापारियों को अब वार्षिक रिटर्न के लिए फॉर्म GSTR 9 भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि वे त्रैमासिक रिटर्न पहले की तरह दाखिल करते रहेंगे। इस व्यवस्था को फिलहाल वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लागू किया गया है। इससे छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बता दें कि बिहार में GST रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। बिहार राजभवन का सख्त आदेश, अब सीनियर प्रोफेसर ही बनेंगे कॉलेजों के प्राचार्य। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चौंगंथू की ओर से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को एक बेहद सख्त निर्देश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके अधीनस्थ कॉलेजों में प्राचार्य के पद पर सीनियर प्रोफेसर ही नियुक्त किए जाए। बता दें कि यह कदम राजभवन की नाराजगी को देखते हुए उठाया गया है, क्योंकि कई कॉलेजों में जूनियर प्रोफेसरों को प्रभारी प्राचार्य बना दिया गया था, जो कि राजभवन के निर्देशों और कानूनी मानकों के खिलाफ है। राजभवन ने इस आदेश का पालन करने के लिए कुलपतियों को 15 दिनों का समय दिया है और रिपोर्ट मांगे है। IGIMS में होगी फेमटो लेजर से सर्जरी और आंखों के कैंसर पर रिसर्च।
बीते दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। ये अस्पताल नॉर्थ इंडिया का पहला सरकारी आई हॉस्पिटल है, जिसमें 12 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सुविधा उपलब्ध है। इससे एक समय पर 12 मरीजों के ऑपरेशन किए जा सकते हैं। इस हॉस्पिटल में इलाज के लिए 149 विशेषज्ञों की टीम तैनात की गई है और ओपीडी में एक दिन में 500 मरीजों का इलाज किया जाएगा। भविष्य में इसे बढ़ाकर 2000 से अधिक मरीजों की क्षमता बनाने की योजना है। इसके अलावा मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए यहाँ विश्व स्तरीय फेमटो लेजर मशीन जो है उपलब्ध होगी। जेपी नड्डा ने पटना साहिब गुरुद्वारे में टेका मत्था। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्मस्थली तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब पर पधारकर वह हाजिरी लगाई। इस अवसर पर उन्होंने दरबार साहिब में माथा टेकते हुए तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी बलदेव सिंह से गुरुघर का आशीर्वाद सिरोपा प्राप्त किया। उन्होंने गुरु महाजन के जीवन दर्शन को अनुकरणीय और प्रेरणादायक बताया। इसके बाद जेपी नड्डा ने खाजे कला घाट पर भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत 10 लोगों को पार्टी का सदस्य बनाया गया है। साथ ही नड्डा ने यह भी घोषणा की कि भाजपा का लक्ष्य 10 करोड़ लोगों को सदस्य बनाकर पार्टी से जोड़ना है। बेटा एयरपोर्ट पर जमीन सर्वे का ग्रामीणों ने किया विरोध। बीते दिन बेटा में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए रनवे विस्तार हेतु जमीन सर्वे के लिए पहुंची टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। बता दें कि एडीएम के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम पश्चिम दिशा में स्थित 3 गांवों कोरहर, गोकुलपुर और मठिया में भूमि सर्वे के लिए पहुंची थी। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों के विरोध और आक्रोश को देखकर टीम को बेरंग हाथ लौटना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि रनवे विस्तार के लिए 191 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, जिससे उनके खेतों और घरों पर सीधा असर पड़ेगा। डीएम के निर्देश के बाद पटना के 500 से अधिक कोचिंग संस्थानों को मिला नोटिस। पटना में 500 से अधिक कोचिंग संस्थानों को जिला प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि इन संस्थानों को सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने के आरोप में ये नोटिस भेजे गए हैं और उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि पहले कोचिंग सेंटर में सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था करें, फिर कोचिंग का संचालन करें। जिला शिक्षा कार्यालय के मुताबिक 1 महीने पहले जारी किए गए नोटिस के बाद भी कई कोचिंग संचालक सुरक्षा मानकों के अनुपालन में विफल रहे हैं। एक बार फिर से सभी कोचिंग संचालकों को 15 दिनों का नोटिस भेजा गया है। अगर इस निर्धारित समय में सुरक्षा मानक पूरे नहीं किए गए तो कोचिंग के संचालन पर रोक लगाई जा सकती है। बता दें कि सभी कोचिंग संस्थानों को अग्निशमन विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य है। यूजीसी का बड़ा कदम, अब स्वयं परीक्षा आयोजित कर सकेंगे विश्वविद्यालय। पटना स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स के ऑनलाइन कोर्सेज अब विश्वविद्यालय द्वारा भी आयोजित किए जा सकेंगे। जी हां, यूजीसी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए विश्वविद्यालयों को स्वयं कोर्सेज की परीक्षा कराने का अधिकार दे दिया है। इसके साथ ही यूजीसी ने परीक्षा के फ्रेमवर्क की भी घोषणा कर दी है और इसकी विस्तृत जानकारी अपने वेबसाइट पर जारी की है। अब छात्र अपने विश्वविद्यालय में ही स्वयं के तहत परीक्षा दे सकेंगे। बता दें कि इस कदम का उद्देश्य स्वयं कोर्सेज को और अधिक लोकप्रिय बनाना है और छात्रों की पहुंच को बढ़ाना है। सीएम नीतीश ने पितृपक्ष मेला का लिया जायजा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, पितृपक्ष मेले का जायजा लिया और पिंडदानियों की सुविधा के लिए नवनिर्मित विष्णु पथ का उद्घाटन किया। साथ ही सीएम नीतीश ने नए पाथवे का भी उद्घाटन किया। इस पाथवे की लंबाई 450 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है, जिसमें सुविधाजनक पार्किंग और घाटों की व्यवस्था की गई है। उद्घाटन के मौके पर मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, मंत्री विजय चौधरी, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा और डीजीपी आलोक राज सहित कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। बता दें ये दौरा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आगामी 17 सितंबर से विश्व प्रसिद्ध राजकीय पितृपक्ष मेला शुरू होने वाला है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर प्रशांत किशोर ने उठाए सवाल।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के मुद्दे पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार को घेरते हुए बड़ा बयान दिया। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि बिहार को जो वित्तीय सहायता मिली वे राज्य सरकार ने सही से खर्च नहीं की है और 51,000 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिए हैं। पीके ने यह भी कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से प्रदेश को कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। उनका कहना है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद केंद्र की योजनाओं में योगदान का अनुपात जो है बदल जाएगा। सम्राट चौधरी को मिला तेजस्वी यादव का पुराना बंगला, दशहरे के दिन करेंगे शिफ्ट। बिहार के उप मुख्यमंत्री के लिए नामित बंगला जल्द ही खाली होने वाला है। बता दें कि वर्तमान में इस बंगले में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रह रहे हैं, जो अब अपने नए आवास में शिफ्ट होने वाले हैं। ये बंगला देश रत्न मार्ग पर स्थित है और अब ये बंगला नया डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आवंटित किया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक सम्राट चौधरी विजयदशमी यानी दशहरे के दिन इस बंगले में शिफ्ट करेंगे। बता दें कि वर्तमान में दो डिप्टी सीएम होने के कारण पहले स्थान पर मौजूद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ये बंगला मिलेगा। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अब पोलो रोड पर आवंटित सरकारी आवास में रहेंगे। नीतीश और नड्डा की मुलाकात ने बढ़ाई बिहार में कैबिनेट विस्तार की अटकलें। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट में संभावित विस्तार की चर्चा जोरों पर है। बीते दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे के दौरान पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली, जिसमें मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर विस्तार से बातचीत की गई। इस बैठक के बाद राजनीतिक हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। बता दें कि राज्य में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इससे पहले एक बार कैबिनेट विस्तार किया जा सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान दौरे पर असमंजस। अगले साल पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का दौरा क्या होगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में होने वाले आगामी चुनाव के संदर्भ में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बातचीत और बम एक साथ नहीं चल सकते, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं हो जाता हम पाकिस्तान से बातचीत के पक्ष में नहीं है। अब इस बयान के बाद ये चर्चा तेज हो गया है कि क्या भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान जाएगी या नहीं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, नूनू गोलू, संजीव कुमार, मोहम्मद अरमान, राज किशोर महतो, रवि मोहन वर्मा, मनोज कुमार, गुनर शर्मा, रंजीत मिश्रा, राकेश मिश्रा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, रूपा कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखते हैं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।